हाय फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप 2020 पाकिस्तान में खेला जाएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह फ़ैसला एक साल कबल दे दिया था, जिस पर टीम इंडिया ने वाज़े बता दिया था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कि वो पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे अगर पाकिस्तान में एशिया कप हुआ। तो वीडियो मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने क्या प्लान बना लिया है जिसके तहत इनको आना ही पड़ेगा। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो आप जल्द से जल्द देख सकें। अगर आप टीम इंडिया के फ़ैन हैं तो टीम इंडिया कमेंट बॉक्स में, और अगर आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड, वीडियो में मैं आपको मुकम्मल ये बताऊँगा सबूत के साथ कि पाकिस्तान ने क्या प्लान बनाया है। तो दोस्तों, एशिया कप 2020 पाकिस्तान में खेला जाना है। टीम इंडिया ने वाज़े यानी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने वाज़े बता दिया है कि वो पाकिस्तान में खेलने नहीं आएंगे। इसके लिए सबसे पहला यानी कि ऑप्शन तो ये नज़र आता है कि टीम इंडिया के जो मैचेस हैं वो बाहर किसी कंट्री में दूसरे वेन्यू पर करा दिए जाएं। लेकिन ऐसा भी नहीं, पीसीबी ने जो अपना एक वाज़े ऐलान कर दिया है वो बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है टीम इंडिया इंडियन क्रिकेट बोर्ड को। पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाज़े इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि इंडिया टीम को पाकिस्तान ही आना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम आप आईसीसी के कोई भी इवेंट्स होंगे जो कि वर्ल्ड कप वगैरह या कोई भी छोटा सा इवेंट भी होगा आईसीसी का, वो हम इंडिया में खेलने नहीं आएंगे, हमारी टीम भी इंडिया में नहीं आएगी खेलने। पाकिस्तान ने ये वाज़े ऐलान कर दिया है। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड सोच रहा होगा कि इसके बारे में क्या किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़े ऐलान कर दिया है कि कोई भी इवेंट जो आईसीसी का होगा पाकिस्तान भी, अगर वो अपनी टीम को नहीं भेजते तो पाकिस्तान भी अपनी टीम को इंडिया में नहीं भेजेगा। तो इस तरह, अगर आपकी क्या राय है, टीम इंडिया को आना चाहिए पाकिस्तान में, कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी राय का इजहार करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।